हेलो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम प्रगति और आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अल्लू अर्जुन की मूवी डीजे के इंटरवल फाइटिंग सीन पर। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और मैंने डीजे मूवी के और भी रिएक्शन, मतलब और भी वीडियोज़ पर रिएक्शन वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ यार चेकआउट कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, साथ में मिलकर वीडियो देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेन के फ्रंट में इसी चैंटिंग। वो कितने सारे लोग आ रहे हैं इधर से। अपने वाले को टपका दिया। कैसे मिले नहीं खतरनाक से। कैसे उछला वो। उसको कुछ पता नहीं है। वैसे भी चाहे सिर्फ बाल नहीं है, तेज लगी होगी उसको।
నేనెప్పుడు ఫోన్ చేసినా నీ గొంతులో భక్తి వినపడేది, ఇప్పుడు భయం వినపడుతుంది. నిన్నెవడు భయ పెడుతున్నాడు? ఆడికి ఫోన్ ఇయ్యి. నాకు లేకొద్దు, మ్యాటర్ లాగొద్దు. అసలు నువ్వెవడవో, నీకు ఆడెలా దొరికాడో, ఆ స్టీఫెన్ ప్రకాష్ కి నీకు గొడవలేటో నాకు తెలదు. ఆడి ఎదవే, అందుకని పనిలో పెట్టుకున్నాను. కానీ ఆడిప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి మోస్ట్ వాంటెడ్ అని చేత ఆడిని నువ్వు వదిలేస్తే నిన్ను నేను వదిలేస్తాను. లేదు అనుకో. తప్పించుకోవాలనుకుంటే చచ్చిపోతావు. ఇలాంటి జోకులు చాలా కాలమైంది రా బాబు. లటక్కను పట్టుకుని పుట్టుకుని చంపాడని నేను ఆళ్ళ బెనామీని కాదు, ఆడ వెనకాల ఉన్న సునామీ. నా గురించి నీకు ఏంటి తెలుసురా? నన్ను చూడడానికే నీకు జన్మ సరిపోదు. నా గొంతు వింటమే నువ్వు చేసుకున్న మగద్భాగ్యం. నీ గొంతు విన్నాక నీ వయసు సుమారుగా 55 నుండి 60 మధ్యలో ఉంటుంది అనుకున్నా. ఎంత అరిచినా పెద్దగా ఆయాసం రావట్లేదంటే మాక్సిమం 55. నీ యాస బట్టి నువ్వు పెద్ద చదువుకోలేదు. మహా అయితే 5వ తరగతి. కానీ తెలుగు భాష మీద మంచి పట్టుందంటే చిన్నప్పుడు చందమామ, పెద్ద బాల శిక్ష లాంటివి చదువు ఉంటావు. ఆ వయసులో సునామీ అని అరిచి వీడిని బినామీ అని ఒప్పేసుకున్నావు. నంబర్ కనపడకుండా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు చాలా పిరుకుడివి. అప్పటికి నోరు లెగుస్తుందంటే డబ్బు అడ్డంగా సంపాదించడం వల్ల వచ్చిన పలుపు. నువ్వు ఎవరైనా ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా నిన్ను అతి త్వరలో నేను చూస్తాను. నేను నిన్ను చూసిన రోజే గుర్తు పెట్టుకో, నేను నిన్ను చూసిన రోజే చంపేస్తా. చూద్దాం, నువ్వు నన్ను చూస్తావా నేను నిన్ను చూస్తానో చూద్దాం. పిచ్చోరా, రెండు ఒకటే. నువ్వు నన్ను చూసినా నేను నిన్ను చూసినా చచ్చేది నువ్వే, చంపేది నేనే. సరే అయితే, అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టు ఐ వెయిటింగ్. రే ఏలుముద్ర, ఐ వెయిటింగ్ కాదురా, ఐఆమ్ వెయిటింగ్. నేను ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించను. I'm coming. वो हो यार, अल्लू अर्जुन का एक्शन कमाल का. स्टार्टिंग में तो जैसे ही उनकी एंट्री होती है ना, ट्रेन के फ्रंट में बैठे होते हैं और एकदम पोज में ऐसे करके और चैंटिंग कर रहे होते हैं. एंड उनका जो लुक है पूरा वो पंडित वाला दिखाया है, और मतलब जो उनके कपड़े वगैरह हो गए, उनका जो टीका फेस पर, तो पूरा जो लुक है वो एकदम पंडित वाला दिखाया है. और सो पीछे से इतने सारे गुंडे लोग आ रहे होते हैं, मतलब लाइन लगा के आ रहे होते हैं. वो इतनी तसल्ली से चैंटिंग कर रहे होते हैं, और चैंटिंग करते करते वो पूरी फाइट कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जितना वो प्लेटफॉर्म पर होते हैं. सो एक एक करके उन सबको मार रहे होते हैं. देन फाइट कर तो उनकी जो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई है. एंड उसके बाद फिर वो प्लेटफॉर्म से बाहर आके जब फाइट करते हैं, तो जो दूसरा वाला विलन होता है जो बाद में आता है गाड़ी से उतरता है, सो उसको उनका पूरा फेस नहीं दिखता, सिर्फ उनको साइड का फेस दिखता है उस बंदे को. और तब तक वो बाकी लोगों को मतलब मार रहे होते हैं. उसके बाद जब वो फेस देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि हाँ यही बंदा है जो मतलब एक साइड इसका पंडित जैसे रहता है, दूसरी साइड एक और उसका पिक्चर आई थी ना बीच में, जो दूसरा वाला लुक है इस मूवी में उनका. सो जैसे वो भागता है डर के, फिर तो उसकी मतलब यार क्या शामत आती है. अल्लू अर्जुन उसके जो पीछे भागते हैं, देन उसकी जो फाइटिंग दिखाई है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त. और एक सीन और, जब वो पटरी पर भाग रहा होता है बंदा, उसके पीछे जो अल्लू अर्जुन भागते हैं, देन पीछे से एक विलन उनको पकड़ लेता है और गले में जो उनके चादर होती है ना उससे पकड़ लेता है वो. सो तब अल्लू अर्जुन को बहुत ख़तरनाक गुस्सा आता है, और वो जो उस बंदे को मारते हैं, मतलब जो चेन उखाड़ लेते हैं ना, पूरी चेन को घुमा के उसके सर में मारते हैं. बेचारा, एक तो वैसे उसके सर पे बाल नहीं होते, उसको इतनी ज़ोर से लगी होगी. तो मतलब एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है. एंड जो दूसरा बंदा होता है, वो दूसरा वाला विलन, उसको भी बहुत ही ख़तरनाक वाला मारते हैं. एंड जब उसका फ़ोन बजता है, कॉल पे वो कुछ डायलॉग बाजी उनकी होती है, वो आई थिंक दूसरी लैंग्वेज में थी, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ तो एकदम मसाले वाला बोला जा रहा है, मतलब कुछ
तो डायलॉग बाजी चल रही है यहाँ पर. सो उसके बाद फिर वो बंदा बोलता है ना, आई एम वेटिंग, फिर वो कहते हैं आई एम कमिंग. सो मतलब जो उनकी आपस में कॉन्वर्जेशन दिखाई है वो बहुत सॉलिड दिखाई है. सो ओवरऑल एक्शन की बात करूँ, सो एक नंबर. अल्लू अर्जुन का एक्शन की तो आई एम फैन यार. मतलब अल्लू अर्जुन का एक्शन तो बहुत गजब का होता है. सो मुझे बहुत मज़ा आया ये एक्शन देखकर. आप लोग बताएं आपको सीन कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आगे किस चीज़ पर रिएक्ट करूँ प्लीज़ यार कमेंट्स करके बताते रहो. ऑलरेडी मैंने अल्लू अर्जुन के और भी काफ़ी सारी मूवीज़ के सीन्स पर एक्शन रिएक्शन वीडियो बनाया हुआ है. सो आप चेकआउट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे. सो चलो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर.